वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार। बात करने जा रहा हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मैंने टोटल 15 जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपका अहमदाबाद बोर्ड के अलावा कोई दूसरा बोर्ड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके अपने अपने बोर्ड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का लेक्चर देखो, ओके। और एक इनिशिएटिव मैंने लिया हुआ है, मैंने क्या किया हुआ है कि बोर्ड वाइज आपका जो है सो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अभी जो है सो रांची बोर्ड वाले ग्रुप में हो चुके हैं। तो आपका जो भी बोर्ड है ना, उस बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में जा कर के ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में सारे बोर्ड का लिंक है। एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही ग्रुप में ज्वाइन होना जो आपका बोर्ड है, ओके। और आपको क्या है, अभी आपका CBT 1 चल रहा है ना, फिर आपका CBT 2 होगा, फिर आपका CBT 3 साइको होगा, उसके बाद फिर आपका जो है सो DV बोलो या मेडिकल बोलो, ट्रेनिंग बोलो, ज्वाइनिंग बोलो, सब कुछ आपको अपने बोर्ड में होगा। और हर बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो आपका बोर्ड है अहमदाबाद तो आपको अलाहाबाद बोर्ड वालों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने बोर्ड के ग्रुप में आकर के वहाँ पे डिस्कशन करो और वहाँ पे पता करने का कोशिश करो कि वहाँ पे आपके फ्रेंड जो हैं इस बोर्ड से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कितना मार्क्स उनका आ रहा है, ताकि आपको जो है सो कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NTPC CBT 1। कुछ लोग कमेंट करते हो सर आप कट ऑफ कैसे बता सकते हो, तो देखो एक्सपेक्टेड और एग्जैक्ट में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड के बारे में बात करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का, वैकेंसी के बारे में, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के बारे में, नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में, तब जा करके मैं जो कट ऑफ बताऊंगा आपका जो है सो उसी के अराउंड कट ऑफ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग जान जाओ, हर लेक्चर में मैं ये बात बताता हूँ, हो सकता है आपने ना देखा हो तो आपको पता नहीं होगा। काफी स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर कट ऑफ जो आएगा वो मेरा ऑल इंडिया वाइज आएगा ना, तो जी नहीं, आपका कट ऑफ जो है वो जोन वाइज आएगा, याद रखना ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग जोन का अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अप्लाइड कैंडिडेट है, अलग अलग कंपटीशन है, तो आपका कट ऑफ जो है सो जोन वाइज आएगा। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर जोन वाइज आएगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन जोन वाइज प्लस पोस्ट वाइज आएगा ना, तो जी नहीं, आपका जो है सो कट ऑफ जोन वाइज आएगा, जोन प्लस पोस्ट नहीं आएगा। जोन प्लस पोस्ट वाइज कट ऑफ आपका CBT 2 में आएगा, क्योंकि CBT 2 में जो एग्जाम होगा उसमें क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें डायरेक्ट आपका CBT 2 एग्जाम पे कट ऑफ बनेगा, जैसे कि कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड वगैरह, और जिसमें CBT 3 है जिसमें साइको टाइपिंग वगैरह है उसका कट ऑफ अलग बनेगा। तो रेलवे क्या करेगा, आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ देगा, है ना। जिसमें CBT 2 पे सिलेक्शन है उसका कट ऑफ अलग, और जिसमें CBT 3 होगा उसका कट ऑफ अलग। यहाँ पे आपका CBT 1 चल रहा है ना, और ये क्या है, सिर्फ स्क्रीनिंग इन नेचर है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1.26 करोड़ के आसपास कैंडिडेट हैं, है ना, आपका 35,000 के आसपास सीट है, 7 लाख का सिलेक्शन है, तो स्क्रीनिंग इन नेचर है। और स्क्रीनिंग इन नेचर इतने मास लेवल पे जो रेलवे करेगा वो कट ऑफ ओवरऑल एक बनाएगा, ठीक है। हाँ, एक बात है कि आपका कट ऑफ जोन वाइज आएगा लेकिन कैटेगरी वाइज आएगा, मतलब OBC, जनरल, SC ST करके आपका कट ऑफ आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग आएगा क्या, तो जी नहीं, मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ आपका एक साथ आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और वुमेन्स के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा करके देखो, कहीं से भी वुमेन्स के लिए अलग से वैकेंसी टेबल में वैकेंसी नहीं है और ना ही कोई रिजर्वेशन है। तो जो भी होगा वो आपका एक साथ होगा, नो मेल नो फीमेल, सब कुछ एक साथ, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हो कि सर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ और अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ जो है वो एक साथ आएगा या अलग अलग आएगा, तो इसका जो है सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर आएगा, आप लोग को इस चैनल पे आप लोग देख लेना। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, ALP ग्रुप डी, NTPC और अभी से लेकर के आपके ज्वाइनिंग तक, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा और प्रिपेरेशन तो अच्छे से होता ही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं अहमदाबाद बोर्ड के बारे में। तो जैसे आप लोग प्रिपेरेशन करते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो, तो उसी तरह से हम लोग एक्सपेक्टेड बताने से पहले थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अहमदाबाद बोर्ड जो है ये 2015-16 का वैकेंसी था और वहाँ पे 1183 सीट था, याद रखना हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे आपका 1183 सीट था। लेकिन रेलवे ने क्या किया था, जब CBT 2 का एग्ज़ाम हो गया था ना, इस पर भी कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर CBT 1 और CBT 2 उस टाइम पे भी होता था क्या, तो जी हाँ उस टाइम पे भी CBT 1 और CBT 2 होता था, ठीक है। तो CBT 2 के बाद क्या किया था रेलवे ने, 357 सीट को रिड्यूस कर दिया था। तो आपका कितना सीट पे सिलेक्शन हुआ था, 826 पे। बट CBT 1 का कट ऑफ जो है वो तो आपका इसी सीट पे आया था, है ना, और उस टाइम पे 15 गुना का सिलेक्शन होता था और अभी क्या है आपका 20 गुना का सिलेक्शन है। तो याद रखना ये भी आपका एक कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है। अब देखो कुछ लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, जो भी आपका फार्मूला है, तो इसमें जो जो टर्म यूज हुआ है सिर्फ इसी पे जो है सो आपका कट ऑफ डिपेंड करता है या नॉर्मलाइज्ड स्कोर डिपेंड करता है। तो देखो एक टर्म होता है डायरेक्टली और एक होता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे जो जो टर्म मेंशन है वो हुआ आपका डायरेक्टली और इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हुआ इनडायरेक्टली। कट ऑफ डिपेंड बहुत सारा चीज पे करता है, जैसे कि आप जिस शिफ्ट पे एग्जाम दे रहे हो उस शिफ्ट का लेवल इजी है या हार्ड है, ठीक है, कितना वैकेंसी है आपके जोन में जहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है, कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, कितने इंटेलिजेंट लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, है ना, बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा लोकेशन कैसा है, जैसे कि होता है ना कुछ एवरेज स्टूडेंट हैं तो चलो मालदा बोर्ड भर दिए क्योंकि उनको जो है सो जॉब लेना है, और कुछ ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जिन्हें घर के पास ही चाहिए चाहे कट ऑफ कितना भी क्यों ना चला जाए, जैसे उन्होंने चंडीगढ़ भरा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें मेन जगह चाहिए जैसे कि उन्हें पटना में रहना है या मुंबई में रहना है। तो क्या थिंकिंग है स्टूडेंट का, आप क्या सोच करके भरते हो, कहीं ना कहीं ये भी आपका मायने रखता है। आफ्टर ऑल कट ऑफ जो है वो सारे चीज को मिला करके आता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ शिफ्ट हार्ड हो गया या सिर्फ एक सीट पे कम कंपटीशन है या सिर्फ आप जितना स्कोर कर दिए उससे आप कट ऑफ निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ को मिला करके जो है सो कट ऑफ आता है, कुछ आपके लक पे भी डिपेंड करता है, है ना। चलो तो यहाँ पे आपका 1183 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो आपका जो है सो इसके आसपास आएगा 17748। तो उस टाइम पे 2015-16 में 17748 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया था CBT 1 में। ध्यान से देखना जो जो बात बता रहा हूँ, 17748 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया था CBT 1 में 2015-16 के वैकेंसी में। तो कट ऑफ कितना गया था अहमदाबाद बोर्ड से, अहमदाबाद बोर्ड से कट ऑफ गया था 77.49 और आप कह सकते हो कि 21 जून के आसपास है, तो आपका जो है सो टॉप 10 डेंजरस जोन में अहमदाबाद का नाम भी आता है। 77.49 के अप्रोक्स 5-6 बोर्ड का कट ऑफ है और कुछ का तो 80 प्लस भी है, है ना। तो आपका कह सकते हो ये थोड़ा सा डेंजरस बोर्ड है, तो बहुत सारा पैरामीटर है, देखते हैं। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो जो कि काफ़ी ज़रूरी है, आप 71 पास कर रहे हो 77.4 मार्क्स ला करके, और ये आउट ऑफ 100 है और ये जो है सो आपका रॉ मार्क्स नहीं है, आपका ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मार्क्स है कमर्शियल अप्रेंटिस का जो कि CBT 2 का पेपर में होता है मेरा, तो CBT 2 तो आपका 120 नंबर का होता
है ना, 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का होता है, और सीबीटी 1 आपका जो है सो 100 मार्क्स का होता है। तो कट ऑफ जो 77 गया था सीबीटी 1 में, ये तो आउट ऑफ 100 गया था, और सीबीटी 2 का जो कट ऑफ आया है 83.63, ये तो 120 में आया है, है ना। काफी लोगों को ऐसा लगता है, तो जी नहीं, आप गलत सोच रहे हो, ये भी आपका आउट ऑफ 100 ही है, ये भी आपका क्या है आउट ऑफ 100 ही है, क्योंकि 120 नंबर का एग्जाम जरूर हुआ था, लेकिन इसका कैलकुलेशन 100 पे किया जाता है। आप देखो अगर 120 में रहता तो कहीं ना कहीं आपको 100 प्लस स्कोर दिखता। मैंने जितना भी आपको कट ऑफ दिखाया है अलग अलग बोर्ड का, 100 प्लस आप कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग नहीं है, इंटेलिजेंट हैं, जो 105, 110, 112 ला सकते हैं 120 में, कन्वर्जन होता है 100 में। तो जैसे कि मान करके चलो कोई स्टूडेंट है, जिसका 96 आया आउट ऑफ 120, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका हो गया 120 में, ऐसे कर सकते हो। तो इसका कन्वर्जन किया गया, इस 120 को लाया गया 100 पे, और इस 100 को लाया गया 84 पे। ये चीज आपको समझ में आया, 120 नंबर का आपने पेपर दिया, आपका रॉ मार्क्स मान के चलो आया 96, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स हो गया 100, है ना। तो इस 120 को कन्वर्जन किए 100 में, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया 84 में। तो आपका ये जो कट ऑफ बना, ये आउट ऑफ 100 है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझो जो कि काफी जरूरी है, कि सीबीटी 1 का कट ऑफ आपका जा रहा है 77 और सीबीटी 2 का कट ऑफ आपका जा रहा है 84। मतलब सीबीटी 1 आप पास कर रहे हो 77 ला करके, बट सीबीटी 2 में आपको जॉब लग रहा है 84 पे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या सिर्फ सीबीटी 1 पास कर जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आप लोगे नहीं। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा उसको देखने के बाद अगर आप लोग उसके अप्रोक्स में हो, तो आप लोगों को सीबीटी 2 का प्रिपेरेशन सीरियसली स्टार्ट करना है, स्ट्रेटजी बना करके कॉन्सेप्चुअली अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे तो 1.26 करोड़ लोग हैं, 71 स्क्रीनिंग लेक्चर का है, 35,000 के आसपास सीट है, 7 लाख का सिलेक्शन है, लेकिन ये 7 लाख कैंडिडेट जो है ना, ये सब के सब क्रीम स्टूडेंट हैं और आपका इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और इस 7 लाख में से फाइनल सिलेक्शन जो इस 35,000 का होगा, वो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। एक एक नंबर वहां पे मायने रखता है, और वैसे भी 33% निगेटिव है, ये भी आपको पता है। तो इतना देर से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इतना देर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको सीबीटी 2 का प्रिपेरेशन इतने अच्छे से करना है कि आप जॉब ले लो, आपको मिस नहीं करना है। हमेशा याद रखना, सीबीटी 1 जो क्वालिफाई नहीं करता है उसे बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाते हो ना, और उसके बाद सीबीटी 2 में बाहर हो जाओगे, तो आपको रोना आ जाएगा। इसीलिए सीबीटी 2 का प्रिपेरेशन अच्छे से आपको करना है, और उसके लिए जो है सो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो, आपका जो वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स में जाओ, उस कोर्स में इनरोल हो जाओ, 7000 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे हैं, और उसमें जितना कंटेंट मैंने दिया हुआ है, और कंटेंट 1x1 ऐड हो रहा है ना, जब तक आपका सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म होगा तब तक जो है सो बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पे जो भी पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, वीडियो लेक्चर्स है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, बोथ लैंग्वेज है, सब कुछ वहाँ पे है। आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, एक एक चीज को याद रखना है, और आप जो टेस्ट लगाते हो उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मेरे पास आता है, तो मुझे ये पता होता है कि आप कितने पानी में हो और आपको किस हिसाब से प्रिपेरेशन करना है। बाकी मेरा गाइडेंस तो वहाँ पे है ही। तो मैं हूँ यहाँ पे रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, बात कर रहे हैं अहमदाबाद बोर्ड के बारे में। वहाँ पे 1100 के आसपास समथिंग सीट था, और यहाँ पे आपका 1024 सीट है, मतलब सीट आपका पहले से कम हो गया है, और स्टूडेंट आपका पहले से क्या हो गया बताओ, बढ़ गया है। क्या समझ में आया, सीट आपका कम हो गया है, स्टूडेंट आपका बढ़ गया है। उस टाइम पे 92 लाख के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था, इस टाइम पे 1.26 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया हुआ। लेकिन एक अच्छा बात पता है क्या है आप लोगों को, अच्छा बात यह है कि उस टाइम पे
15 गुना का सिलेक्शन होता था, अब आपका 20 गुना का सिलेक्शन है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। उस टाइम पे 17,000 के आसपास का सिलेक्शन हुआ था और इस टाइम पे आपका 21,000 के आसपास का सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट भी तो बढ़ गया है ना, और बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया जो अच्छा से प्रिपरेशन करवा रहा है, लोग पढ़ने लगे हैं और अच्छा खासा स्कोर करने लगे हैं। तो बात आता है कट ऑफ कितना जाएगा, उस टाइम पे कट ऑफ आपका गया था 77 के आसपास, ये है आपका नॉर्मलाइज। यहाँ पे बात करेंगे रॉ स्कोर के बारे में, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर कितना होगा वो आपको नहीं पता है और न ही मुझे पता है, ठीक है। लेकिन रॉ मार्क्स आपको पता होगा कि आप कितना सही किए हो, कितना गलत किए हो, निगेटिव को कट कर दो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अहमदाबाद अप्लाई किया हुआ है, आपका कैटेगरी जनरल है, तो कम से कम आपको 66 प्लस मार्क्स रॉ में आना चाहिए, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में मत रहना, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगर आप 66 के आसपास हो, यहाँ पे 64 भी कर सकते हो, 65 भी कर सकते हो और 66 प्लस तो कुछ भी कर सकते हो। आखिर एक्सपेक्टेड का ही तो बात कर रहे हैं ना, 100% श्योर तो कोई नहीं हो सकता है, इवन रेलवे का एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता है, जो रेलवे में जॉब करता है वो भी नहीं हो सकता है। ये तो आपका नंबर ऑफ सीट इंटू 20 करेगा, ऊपर से नीचे करेगा, और आपका जहाँ पे बंद होगा वो आपका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर आप ओबीसी से हो तो कोशिश करना 62 प्लस के आसपास, 62 नहीं 63 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए रॉ मार्क्स। अगर आप एससी से हो तो आपका जो है सो 59 प्लस के आसपास, और अगर आप एसटी से हो तो 57 प्लस के आसपास, 57। ईडब्ल्यूएस का जनरली मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है और ये जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है, तो इसका कट ऑफ अप्रॉक्स सेम ही जाएगा। फिर भी काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि सर कुछ और एग्जाम वगैरह हुआ है वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफ़ी कम गया है, तो यहाँ पे भी कम जाएगा। तो बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानते हो तो आजकल क्या हो रहा है कि सारे जनरल कैटेगरी वाले, जनरल का कट ऑफ तो हाई जाता ही जाता है, और जनरल वाले ही इसमें भी आ जाते हैं, जनरल वाले ही इसमें आ जाते हैं, जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं वो भी जो है सो बोलेंगे कि मैं वीकर फैमिली से हूँ तो मुझे भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन चाहिए, और वो फॉर्म लगा देते हैं। तो आफ्टर ऑल कट ऑफ आपका इंक्रीज कर ही जाता है, फिर भी इसका कट ऑफ 65 प्लस के आसपास रॉ मार्क्स लाने का कोशिश करना है ना। आप खुद सोचो ना कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा, और मैक्सिमम लोग जो है सो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा ही लेते हैं कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला ही जाएगा, ओके। और एक्स सर्विस मैन वाले का सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका तो खैर बल्ले बल्ले है ही। अगर आप लोगों का 45 प्लस 48 प्लस के आसपास मार्क्स है तो आप लोग सेफ जोन में हो। और बार बार बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, ये 100% सही नहीं होगा, बट अप्रोक्स सही होगा। ये आइडिया मैंने बताया ताकि आप लोगों का जिसका एग्जाम हो चुका है, आप लोगों को पता चले कि इसके आसपास आपका अगर नंबर आ रहा है तो आपको 72 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। और जिसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आप लोग ये एम बना करके चलना, प्लस 3 का मार्जिन इसमें ऐड करो अलग अलग कैटेगरी में जो मैंने बताया है, और उसका एम बना करके जाओ और अच्छे से एग्जामिनेशन दो। और कुछ लोग कमेंट करते हो सर एग्जाम होने के बाद कट ऑफ बनाइएगा, तो एग्जाम होने के बाद भी कट ऑफ बनाएंगे। ये सारा लेक्चर उस स्टूडेंट के लिए है जिसका एग्जाम हो चुका है और वो अपना 2 महीना जो है सो कट ऑफ के चक्कर में बर्बाद नहीं करेंगे, वो अभी से अपना प्रिपेरेशन सीरियसली अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके अपने अपने बोर्ड के लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे डिस्कशन करो और ऐप को डाउनलोड करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो अच्छे से सीरियसली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।